ये गांव के परिवार ने चाकू गले में मारा है, गला काट दिया, हाथ में मारा हुआ है, गले में मारा है, पेट में लगा हुआ है। जैसे आदमी को सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए इसके ऊपर, और इसको सख्त सख्त मतलब फांसी की सजा होना चाहिए, ऐसी दर्दनाक मतलब उसने घटना करी है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुशवाहा आज फिर लेके आया हूँ एक ऐसी खबर जो कि झारखंड जैसी ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि झारखंड में लड़की को पेट्रोल डालकर जलाया गया, मध्य प्रदेश के सिरफिरे आसिक ने युवती का गला रेतकर हत्या कर डाली। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का है, जहां सिरफिरे आसिक ने लड़की की गला रेतकर हत्या कर डाली। हत्या की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया है। वहीं आरोपी के हमले से लड़की का मामा भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें कि लड़की अपने मामा के घर में रहती थी। लड़की के चीखने की आवाज़ सुनकर जब मामा कमरे में पहुंचा तो आरोपी ने उसको भी चाकू मारकर घायल कर दिया। जब तक घर के अन्य लोग मौके पर पहुंचते, आरोपी फरार हो गया था। लोगों ने आनन फानन में मामा को गंभीर हालात में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने लड़की के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है। वहीं लड़की के पिता ने देखिए क्या कहा। और मेरी बच्ची 18 साल में कुछ कम है जो होने को है, उसको मेरी बच्ची को ये गांव के कोटवार ने चाकू गले में मारा है, गला काट दिया, हाथ में मारा हुआ है, पेट में मारा है, पेट में लगा हुआ है। ऐसे आदमी को तो सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए इसके ऊपर, और इसको सख्त से सख्त मतलब फांसी की सजा होना चाहिए, ऐसी दर्दनाक मतलब उसने घटना करी है। कौन है ये, क्यों मारा? गांव का कोटवार है और नाम बबलू है इसका। इसके पिताजी ने भी कुछ समय पहले एक गांव के आदमी का मर्डर किया था, वही हादसा इसने दोहराया है। ऐसे आदमी को क्या बता देना चाहिए और इसको सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। रंजिश क्या है इसकी, क्यों? रंजिश है गांजा पीना, दारू पीना, और किसी को भी मनचाहे ऐसे बोलना, गाली गलौज करना। आज क्या हुआ था? आज तो सर मैं गांव गया था, आज क्या हुआ, बच्ची बता रही थी, बोले दीवाल फांद के अंदर कूदा और चाकू से मार दिया। जानकारी के अनुसार देहात थाना क्षेत्र के रायश्री गांव की रहने वाली एक 17 वर्षीय लड़की से पड़ोस कर रहने वाला 20 वर्षीय युवक एक तरफा प्यार करता था। एक तरफा प्यार में डूबे युवक ने लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया था, जिससे तंग आकर लड़की के परिजनों ने उसे सिरसौत थाना क्षेत्र के रौदा गाँव में रहने वाले मामा के यहाँ 2 साल पहले भेज दिया था, ताकि युवक उसे परेशान न कर सके। हालांकि लड़की अपने घर रायश्री आती जाती रहती थी, जब भी वह अपने घर आती तो युवक उस पर नजर गड़ाए बैठा रहता था। मामले को लेकर सिरसौत थाना प्रभारी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि रौदा गांव में अपने मामा के यहां आई लड़की की हत्या हुई है, साथ ही उसके मामा को भी चाकू मारा गया है। परिजनों ने रायश्री गांव के रहने वाले एक युवक पर आरोप लगाया है। लड़की का पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।